चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हिंदी में संसाधन और विकास। और टॉपिक है आपका सॉयल है रिसोर्सेज, है ना, मृदा और उसके एक मृदा और एक संसाधन के रूप में। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल है जिसको बनाया जा सकता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है ना। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये किसका मीडियम है? प्लांट, पेड़ पौधों की ग्रोथ का। एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर ऑन अर्थ द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मतलब कुछ सेंटीमीटर सॉइल जो होती है उसे बनने में काफ़ी मिलियन लाखों साल लग जाते हैं। रिलीफ पेरेंट रॉक एंड और बेड रॉक। टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। यानी मृदा के बनने में कौन कौन से तत्व जो सहायक हैं, कौन कौन से? इसमें पहला क्या है? सबसे पहला क्या है इसमें लिखोगे? अगर लिखते तो इसमें आ गया आपका फर्स्ट, आपका रॉक हो गया, और हैं और तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, है ना। पहले लिखो चेंज इन टेम्परेचर और जो टेम्परेचर में बदलाव है ये भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, और एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर्स, विंड एंड ग्लेशियर। विंड मतलब हवा हो गई, ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़ हैं। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स क्या हुई अब? एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, फिर एटसेट्रा, जो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो सॉइल के बनने में, है ना, सॉइल के बनने में मदद करते हैं, ठीक है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन सॉइल, और कौन से हैं? अगला हो गया आपका पॉइंट केमिकल एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स हो गए। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, ये भी चेंजेस जो होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना। चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, है ना, जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल के अंदर क्या होता है, है ना, सॉइल कंटेंट्स ह्यूमस, सॉइल कंटेंट्स, इसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है बेटा। सॉइल कंटेंट्स ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस, और एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, और इसके अंदर क्या होता है, एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भी इसके अंदर जब भी बनती है तो इसके अंदर ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं, द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल बनती है उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भारत में, इंडिया में सॉइल को काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, है ना, कलर में, उसका रंग, थिकनेस, उसका टेक्सचर मतलब कैसी दिखती है, उसकी एज हो गई, केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी जो फॉर्मेशन जो सॉइल का हुआ है उसको, उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्या लिखा,
क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट है एलुवियल सोइल, क्या है? एलुवियल सोइल, है ना। पहले लिख लेते कौन कौन सोइल्स में पढ़नी है। एक एलुवियल सोइल्स हो गई, दूसरी, हाँ शाबाश, दूसरी आपकी है ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल। तीसरी लिखो आप रेड एंड येलो सोइल्स, रेड एंड येलो सोइल्स, ठीक है। चौथी लैटराइट सोइल, लैटराइट सोइल, सोइल एरिड सोइल। पांचवी है एरिड सोइल, छठी है फॉरेस्ट सोइल, फॉरेस्ट सोइल, ठीक है। तो ये चार छह तरह की सोइल से जो हमें पढ़नी है इस बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा? है तो हेडिंग डालो एलुवियल सोइल। क्या पढ़ेंगे हम? लिखो एलुवियल, एलुवियल सोइल, ठीक है बेटा, लिखो एलुवियल सोइल, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो इसमें पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक। तो सबसे पहले एलुवियल सोइल में लिखो आप, एलुवियल सोइल आर फाउंड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये नहीं लिखना है, यानी हमारी कंट्रीज के बहुत ही ज़्यादा पार्ट में इंडिया में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट लिखो एलुवियल सोइल, मेरा पेन चला दो उस पर, लिखो एलुवियल सोइल्स आर फाउंड, एलुवियल सोइल आर फाउंड, एलुवियल सोइल्स आर फाउंड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मिल गया बेटा। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, द इंटायर, सुन लो, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल, लिखो अगला पॉइंट, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल, नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल, ठीक है। दो पॉइंट हो गए, लिखना नहीं, सुन लो, दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, लिखो लिखो नहीं सुन लो, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, ये जो बनी है तीन हिमालय रिवर सिस्टम से बनी है, डिपॉजिट हुई है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, लिखो लिखो अगला, लिखो दीज हैव बीन डिपॉजिटेड, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, these have been deposited, these have been deposited by three important Himalayan river system, है ना, these have been deposited by three important Himalayan river systems, Indus, the Indus, क्या लिखा, these have been deposited by three important Himalayan river system, लिख लिया। पहला क्या लिखा आपने, the Indus, second द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, एंड द ब्रह्मपुत्र, मिल गया। देखो दी सॉइल्स आर एक्सटेंडेड, दी सॉइल्स आर एक्सटेंडेड दी सॉइल्स आर एक्सटेंडेड इन राजस्थान, दी सॉइल्स आर एक्सटेंडेड इन राजस्थान एंड गुजरात, एंड गुजरात, these soils are extended in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor, through a narrow corridor, narrow
कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर लिख लिया। ठीक है, तो ये कहाँ का आपकी फैली हुई है? राजस्थान, गुजरात, है ना, मैं फैली हुई है। ठीक है, देखो अगला लिखो, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, लिख लिया, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सैंड, सिल्ट, क्ले, लिख लिया, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट। हाँ जी सर, लेके जाओ। हाँ कोई नहीं, कोई ठीक, थैंक यू। अच्छा मैं आपको फीस कर दूंगी, मंडे का तो टाइमिंग ये है। हाँ ये ठीक, पहले मतलब कंप्यूटर उसके बाद होगा, तीन दिन कंप्यूटर होगा, 3 दिन इंग्लिश होगा, फिलहाल फिलहाल इंग्लिश। हाँ इंग्लिश तो अब कंप्यूटर होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है सर, ओके ठीक। हाँ बेटा कहाँ था, है ना, हाँ, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मिल गया। अब पढ़ते हैं, एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली सॉइल पार्टिकल अपीयर सम व्हाट बिगर इन साइज, है ना, इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स, सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पेडिमेंट प्लेन्स सच एज द्वारास, चाओज एंड तेराई ग्रेन्स, है ना। तो ये बोल रहा है कि एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, अगर हम रिवर वैली नदी घाटी की तरफ जाते हैं, सॉइल पार्टिकल अपीयर सम वाट बिगर इन साइज, तो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो साइज में बड़े होने लगते हैं, है ना, अपीयर सम वाट बिगर इन साइज इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स, सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पेडोमेंट, है ना, इन पेडमोंट प्लेन सच एज द्वारस, चाओज एंड तेराई। गुड इवनिंग। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, soil are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial and new alluvial. लिखो, लिखो, alluvial soils, देखो ये लिखो, according to the their age, लिखो, according to their age, according to their age, हाँ, alluvial soil can be classified alluvial soil can be classified as old alluvial and new alluvial, मिल गया। अच्छा old alluvial के जगह आपने BANGAR एंड न्यू एलुवियल की जगह लिख लोगे आप खादर, मिल गया। है ना, मिल गया। क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर, लिखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर, क्वेश्चन लिखो एक, राइट द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बंग, क्वेश्चन है। शाबाश, कोई बात है, राइट द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। फैज कहाँ है? फैज भाई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ, घर पे नहीं है तो आता क्यों नहीं है? एंड बांगर, मिल गया। हाँ बेटा, राइट द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड
बांगर में अंतर बताइए, मिल गया। तो ये क्वेश्चन है, तो लिखिए पहला इसका आंसर लिखिए बेटा। देखो द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स, लिख लिया। हाँ, द बांगर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स देन द खादर, मिल गया। हाँ, द लिख लिया। हाँ, क्या लिखा? द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स देन द खादर, मिल गया। अगला लिखो, मतलब जो बांगर है उसके अंदर कंकड़ बहुत ज्यादा है ना, खादर के पे। द खादर सॉइल हैज मोर फाइन पार्टिकल, द खादर सॉइल हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, मिल गया। इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, मिल गया। ठीक है बेटा, देन द बांगर, ठीक। यानी आपकी जो खादर है वो बांगर से ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल। अच्छा, अब जो एलुवियल सॉइल लिख रहे थे उसमें लिखना चालू कर दो, ये खादर बांगर बीच में लिखवाया, जो एलुवियल चल रहा था ना आपका उसमें लिखो, एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, दिस सॉइल कंटेन्स एक्यूरेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. These soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. Phosphoric acid and lime. मिल गया? है ना? अगला लिखो, दीज आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुअर केन, दीज आर आइडियल यानी एलुवियल सॉइल्स, दीज आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुअर केन, दीज आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुअर केन, पैडी वीट, पैडी वीट एंड अदर सीरियल, पैडी वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप, एंड पल्स क्रॉप्स, लिख लिया, एंड पल्स क्रॉप्स, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा क्या होती है आपकी, एक अच्छी फर्टाइल क्रॉप सॉइल होती है, ठीक है बेटा। ये कंप्लीट हो गया, आ जाए।